हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनरिया। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक नए प्रोडक्ट का रिव्यू लेकर के आई हूँ। यह है पॉन्ड्स की तरफ से। पॉन्ड्स ने अभी न्यूली लॉन्च किया है। यह है वाइट ब्यूटी सन डलनेस रिमूवर डेली फेशियल स्क्रब फॉर डेड स्किन सेल रिमूवल एंड स्पॉट लाइटनिंग। ये स्पॉट लाइटनिंग के लिए है और डलनेस को रिमूव करने के लिए है। इस पर मेंशन है इसे कि हम डेली यूज़ कर सकते हैं। ये फर्स्ट टाइम ऐसा मैंने कोई प्रोडक्ट यूज़ किया है जिसमें ये मेंशन हो कि आप डेली स्क्रब कर सकते हैं और ये डेड स्किन सेल को रिमूव करेगा, ऐसा इस पर मेंशन है। सो पैकेजिंग की बात करें तो ये ट्यूब फॉर्म में है, काफ़ी स्लीक है और काफ़ी अच्छी कलर है और प्रोडक्ट भी काफ़ी अच्छा है। और ये पॉन्ड्स ने इसके साथ इसका फेस वॉश भी लॉन्च किया है। पॉन्ड्स के फेस वॉश मैंने ट्राई किए हुए हैं बट मैंने स्क्रब नहीं ट्राई किया, सो दैट्स वाई मैंने इसे मंगवाया है। इसका प्राइस है फ्रेंड्स 325 रुपीज़। इधर आपको ऊपर लाइट थोड़ा सा यहाँ दिख रहा होगा, 325 रुपीज़। नायका पे सेल थी तो मैंने इसे डिस्काउंटेड रेट में मंगवाया है। मैं स्क्रीन पे कहीं मेंशन कर दूँगी कि मैंने कितने का परचेज़ किया है इसको। इसके बैक ऑफ साइड पे सारे डिस्क्रिप्शन मेंशन है, इसे यूज़ कैसे करना है, इसके इंग्रेडिएंट लिस्ट एवरीथिंग मेंशन है। नेट क्वांटिटीज़ की 100 ग्राम्स है और यूज़ बिफोर और मैन्युफैक्चरिंग सब कुछ बैकअप साइड पे मेंशन है। आप इसे डेली यूज़ कर सकते हैं इस पे मेंशन है। और ये इसके अंदर हार्श केमिकल्स नहीं हैं और आपके डार्क स्पॉट्स को रिड्यूस करेगा, स्पॉटलाइट फेयरनेस देगा, जेंटल है और बहुत ही हार्श नहीं है। और मैं इसे दो बार यूज़ कर चुकी हूँ और मैं डेली नहीं यूज़ करती इसको, वीक में दो बार यूज़ करती हूँ। सो मैंने अभी इसे दो बार ही यूज़ किया है। मुझे ये प्रोडक्ट अच्छा लगा। जैसे इस पे मेंशन है कि आपको स्पॉटलाइट लाइटनिंग देगा और डेड स्किन सेल्स रिमूव करेगा, इंस्टा ब्राइटनेस देगा, तो मैं ये कहूँगी कि हाँ, इसको यूज़ करने के बाद फेस पे बहुत ज़्यादा ऐसा फील होता है, ब्राइटनेस फील होती है, ऐसा लगता है कि आपके फेस से टैन रिमूव हुआ है। काफ़ी अच्छा ग्लो दिखता है फेस पे, ऐसा कोई स्पॉट लाइट नहीं हुआ है। और डलनेस रिमूव करता है और ब्राइट बनाता है स्किन को। और मुझे कुछ भी ऐसा कुछ नहीं लगा कि इसने स्पॉट्स को रिमूव किया है या लाइटन किया है। हाँ, आपकी स्किन पे अगर टैनिंग है तो ये टैनिंग को रिमूव करेगा। फर्स्ट यूज़ में आप अच्छा सा ब्राइटनेस देखेंगे अपने फेस पे। और टेक्सचर की बात करें तो इसका टेक्सचर कुछ क्रीमी वाइट कलर का कंसिस्टेंसी है इसका। और अगर आप इसे स्प्रेड करेंगे तो इसके अंदर बहुत ही हल्के हल्के से स्क्रब के ग्रेनुअल्स हैं, बहुत बड़े नहीं हैं, बहुत ही छोटे हैं। बिकॉज इस पे मेंशन है कि आप इसे डेली यूज़ कर सकते हैं स्क्रब को, इसलिए इसके अंदर बहुत छोटे स्क्रब के ग्रेनुअल्स डाले हैं, जिस वजह से आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा हार्श ना लगे या बहुत ज़्यादा आप स्क्रब ना कर दें। सो डेली के लिए स्क्रब अच्छा है, बहुत हार्श नहीं है। अगर आप डेली कोई लाइट स्क्रब और अपनी स्किन को अच्छा क्लीन रखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो आप ये डेली में स्क्रब यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी छोटे छोटे रेड कलर के इसके अंदर ग्रेनुअल्स हैं। और इसको यूज़ करते ही जब आप इसे यूज़ करेंगे अपने वेट फेस पे, सो आपको बहुत ही फॉर्मी फॉर्मी टेक्सचर मिलेगा, बहुत जल्दी फॉर्म बनेगी इसके अंदर। जैसे फॉर्मिंग फेस वॉशेज होते हैं उस टाइप का इसमें फॉर्म आता है। सो काफ़ी अच्छे से लेदर करेगा ये, एकदम फेस वॉश की तरह। बट इसके अंदर छोटे छोटे स्क्रब्स हैं, इससे आपके इजीली स्क्रब कर पाएंगे फेस को, बहुत ज़्यादा हार्श नहीं है। और जिनको ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स की प्रॉब्लम है उनके लिए ये वर्क नहीं करेगा, क्योंकि ये ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स को नहीं रिमूव करता है, सिर्फ लाइटली स्क्रब करता है, डेड स्किन सेल को रिमूव करता है और थोड़ी सी टैनिंग रिमूव करता है, दैट्स इट। और ये कुछ भी वर्क नहीं करता, कोई ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स को रिमूव नहीं करता। अगर आप डेली में अपने फेस को एक्सफोलिएट करना चाहते हैं, लाइटली एक्सफोलिएट करना चाहते हैं ताकि हेल्दी दिखे, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है और माइल्ड है, ऐसा कोई हार्श नहीं है। सो मुझे ये समटाइम्स यूज़ करना अच्छा लगता है। सो मुझे ये प्रोडक्ट अच्छा लगा, आप इसे परचेज़ कर सकते हैं। ऐसा बहुत एक्सपेंसिव नहीं है और अच्छा इंस्टेंट ब्राइटनेस और ग्लो देता है, तो आप ये बाय कर सकते हैं। मैं इसे आपको रिकमेंड कर सकती हूँ। ये ऑल स्किन टाइप के लिए अच्छा है, चाहे ड्राई स्किन हो, चाहे आपकी कॉम्बिनेशन, चाहे ऑयली स्किन हो।
सो ये तीनों स्किन टाइप्स पे ये अच्छे से सूट करेगा। सेंसिटिव स्किन वाले प्लीज़ इसे ना यूज़ करें, बिकॉज हो सकता है ये आपके लिए थोड़ा सा हार्श हो जाए, या आपको ड्राई पैचेज हो जाए, या कुछ भी प्रॉब्लम। सेंसिटिव स्किन वाले से ना यूज़ करें, बाकी तीनों ड्राई, ऑयली और कॉम्बिनेशन स्किन वाले से यूज़ कर सकते हैं। सो ये था मेरा इस प्रोडक्ट के ऊपर रिव्यू। सो अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको किसी और टॉपिक पे किसी प्रोडक्ट का रिव्यू चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। सो प्लीज़ गाइस सपोर्ट, थैंक यू।